अपने आसपास की ताजा तरीन खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली न्यूज झारखंड और घंटे के बेल आइकन दबाना ना भूल। नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। पत्रकारों के विरुद्ध झूठे मामले दर्ज होने पर राज्य के डीजीपी होंगे जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक को स्पष्ट दिया है निर्देश। पत्रकारों का राष्ट्रीय संगठन भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ लगातार देश भर में कोरोना वायरस में दर्ज हो रहे मुकदमों को गंभीरता से लिया है। इस बाबत बीएसपीएस द्वारा गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखकर संगठन ने इस चौथे स्तंभ की निष्पक्षता पर हमला बताया है। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एपी सिंह ने उच्चतम न्यायालय में इस बाबत सुनवाई के दौरान पत्रकारों का पक्ष रखते हुए इस पर माननीय न्यायालय को संज्ञान में लेने का आग्रह किया, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के दौरान सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक को यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि पत्रकारों के ऊपर समाचार संकलन को लेकर झूठे मुकदमे दर्ज करने पर न्यायालय की अवमानना का मामला दर्ज किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के इस आदेश का बीएसपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह, राष्ट्रीय महासचिव शाहनवाज हसन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक पांडे व श्रीमती आर चंद्रिका, राष्ट्रीय सचिव गिरिधर शर्मा, एस एन गौतम, देवेंद्र सिंह, चंदन मिश्रा, मदन गौड़ उत्तर प्रदेश इकाई के आशुतोष मणि त्रिपाठी, शिबू निगम, संतोष तिवारी, प्रहलाद सिंह राजपूत, संतोष गिरी, संजय त्रिपाठी, कामरान अशद, नफीस अहमद, मंगेराम गौड़, मुर्रम अली, एपी नायर, महेंद्र शर्मा, पवन कृपा, सिद्धू भार्गव सहित देश भर के पत्रकारों ने स्वागत किया है। वर्तमान कोरोना काल में जबकि लॉकडाउन भी चल रहा है, कोविड के मरीज भी बहुत बढ़ रहे हैं, ऐसे समय में देश में पत्रकारों की स्थिति बहुत खराब हो रही है। उनके ऊपर बहुत एक तरह से दमन से चल रहा है शासन प्रशासन और पुलिस का। इस बात की शिकायतें पूरे देश से मेरे पास आ रही हैं। अगर मैं चर्चा करूं आज की बात, तो आज जगदीश परमार जी जो उज्जैन के क्राइम रिपोर्टर हैं और उन्होंने से बात हुई मेरी, तो उन्होंने बताया कि राजेंद्र रावत जो कि पत्रकार है उज्जैन में माधवनगर पुलिस स्टेशन में, वहां के डॉक्टरों ने उनके खिलाफ एफआईआर करा दी, सरकारी काम में बाधा की। जबकि बात ये साफ तौर पे है कि वो अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे। हाँ, एक मरीज को जमीन पे सड़क पर लिटाल रखा है, उसकी रिपोर्टिंग वो नहीं करेंगे, वो नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा। इसी तरह की घटना अलीगढ़ में हुई। प्रदीप शर्मा जी जो कि विवेकानंद कॉलेज में काउंटिंग की रिपोर्टिंग कर रहे थे कि किस तरह से पुलिस ने मास्क नहीं लगा रखे हैं, प्रयोग नहीं कर रखी है, तो वो प्रदीप शर्मा जी पत्रकार हैं, संपादक है शेष प्रश्न अखबार के अलीगढ़ में, तो उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया वहां इसी बात का, और गिरफ्तार करके रखा गया लोधा पुलिस स्टेशन में। कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, जबकि पत्रकार हमारे चौथा स्तंभ है लोकतंत्र के, और वो कितना रिस्क लेकर कोरोना में जाके जनता की आवाज के प्रतिनिधि के रूप में दिखाते हैं। और ये बात मैंने जब सुप्रीम कोर्ट में अभी कल और परसों लगातार याचिकाओं की सुनवाई हो रही थी, तो मैंने ये बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी, जहां ट्रिपल बेंच सुनवाई कर रही थी, उनके सामने भी इस बात को रखी। तब उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि झूठे केस रजिस्टर्ड हो जाते हैं, जो बात सोशल मीडिया कहीं कहीं किसी माध्यम से चली जाए, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में साफ तौर कहा था कि किसी भी इस तरह की शिकायत पर डीजीपी को, सभी राज्यों के डीजीपी को आदेश दिए गए कि अगर इस पर किसी तरह का कोई एक्शन और कार्रवाई होगी तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई कोर्ट के अनुसार मानी जाएगी। इस तरह की बात कहने के बाद भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है, हमारा देश का संविधान कह रहा है, कानून कह रहा है कि चौथा स्तंभ है, अगर उनकी बात नहीं आ जाएगी, मीडिया तो सूर्य की तरह है, जब पहुंचेगी तो बुराइयां दूर होंगी, बीमारी दूर होगी, अपराध खत्म होंगे, वो चीज सामने रखते हैं। और इस तरह की ऐसी बात आने के बाद उनके ऊपर, चाहे उज्जैन की बात हो, माधवनगर की हो, चाहे अलीगढ़ थाने की बात हो, लोधा थाने की बात हो, प्रदीप शर्मा जी की बात हो, राजेंद्र रावत जी की बात हो, पत्रकारों पर इस तरह के केस रजिस्टर करना पूर्ण रूप से गलत है। और देश भर के पत्रकारों की इस बात की शिकायत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको साथ देना चाहिए, दवाई कड़वी है लेकिन फिर भी आपको स्वीकार